कतर ने भारतीय जल सेना के 8 साबका कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई है। भारत भी इस हमले को चुनौती देने जा रहा है। इस दौरान विरोधी पार्टियां ने इस मुद्दे से सरकार को घेरना शुरू किया है, जिन्हों का कहना है कि जो उन्होंने इस मुद्दे से संसद में चर्चा की तो सरकार ने इस गंभीरता से नहीं लिया। इस पर कांग्रेस AIMII समेत सारिया पार्टियां सरकार को घेर रही ने। पिछले साल जासूसी नाल जुड़े एक मामले में 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया सी। AIMIM के मुखी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सारे साबका कर्मचारियों को वापस लियाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि अगस्त च मैं कतर च फसे साबका जल सेना अधिकारियों का मुद्दा चुकया सी ते अज उस नूं मौत दी सजा सुनाई गई है। उधर कांग्रेस के संसद मैंबर मनीष तिवाड़ी ने कहा कि सरकार ने साबका सैनिका एक्स सर्विस मैन लीग ते इत्थों तक कि संसद मैंबरां दे परिवार ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।